आज के इस वीडियो में मैं दो टॉपिक को कवर करूंगा। पहला चैटबॉट के बारे में है जो कि काफी पॉपुलर हो रहा है। चैट जीपीटी का नया वर्जन चैट जीपीटी 4 आ चुका है और अब चैट जीपीटी 4 जो है वो इमेज भी पढ़ने के कैपेबल है। इससे पहले तक ऐसा होता था कि चैट जीपीटी को आप टेक्स्ट लिखते थे और उसके जवाब आपको मिलते थे, बट अब वहां पर इमेज भी अपलोड कर सकते हैं और उस इमेज की पूरी एनालिसिस आपके सामने होगी, हालांकि वो टेक्स्ट में ही होगी। एक और डेवलपमेंट ऐसा है कि इस तरीके का एक टूल बनाया जा रहा है जो कि टेक्स्ट टू वीडियो, वो चैट जीपीटी की तरह ही होगा, वो माइक्रोसॉफ्ट ही डेवलप कर रहा है। माइक्रोसॉफ्ट ने काफ़ी चैट जीपीटी की कंपनी ओपन एआई में पैसा लगाया है, तो माइक्रोसॉफ्ट एक टूल डेवलप कर रहा है जिसमें जैसे आप टेक्स्ट डालेंगे तो वो वीडियो जनरेट करके फुल फ्लेज्ड देगा। तो खैर ये तो हो गई चैट बॉट की बात, इससे जुड़ा एक और बता दूँ, ये मैं वीडियो आगे बनाने वाला हूँ। दरअसल चैट बॉट को आप यूज़ तो अगर कर रहे होंगे, बट क्या चैटबॉट खुद से आप बना सकते हैं, वो स्टेप बाय स्टेप गाइड का एक मैं वीडियो बनाऊंगा जिसमें आपको ये बताऊंगा कि आप चैट जीपीटी जैसा उससे मिलता जुलता एक चैटबॉट कैसे तैयार कर सकते हैं और उसके क्या फ़ायदे होंगे, और अच्छी बात यह है कि उससे आप पैसे भी कमा सकते हैं। तो ये तो बात हो गई चैट जीपीटी और चैटबॉट, एआई बेस्ड चैटबॉट के बारे में। दूसरा प्राइवेसी के बारे में बात करूंगा, उसमें यह है कि अगर आप फ़ोन यूज़ करते हैं, ज़्यादातर लोग फ़ोन यूज़ करते हैं और उनमें ज़्यादातर लोग ऐसे हैं जो WhatsApp यूज़ करते हैं, तो चूंकि WhatsApp पर्सनल कम्युनिकेशन का एक बहुत बड़ा ज़रिया है, तो आप ये नहीं चाहते कि अगर आप WhatsApp पे कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं लैपटॉप में या फिर मोबाइल पे, तो कोई पीछे वाला या फिर बगल से कोई क्रॉस कर रहा है या ऑफिस में बैठे हैं तो आसपास घूमने फिरने वाले लोग आपके चैट पढ़ लें, तो उसके लिए आपके पास क्या ऑप्शन है? उसके लिए आपके पास बेसिकली दो ऑप्शन है। एक प्राइवेसी एक्सटेंशन आता है WhatsApp के लिए, गूगल क्रोम में आप सर्च करेंगे जाकर के प्राइवेसी एक्सटेंशन फॉर WhatsApp, उसे आप इंस्टॉल कर लेंगे क्रोम में। तो जैसे ही आप WhatsApp वेब यूज़ करेंगे तो उसको एनेबल करने के बाद आपको दिखेगा कि सारा का सारा चैट में जो नेम है उसका वो ब्लर हो जाएगा, जो भी चैट लिस्ट है वो ब्लर हो जाएगी। किसी की चैट ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद जो आप देखना चाहेंगे सिर्फ वहाँ पे कर्सर ले जाएंगे तो ही दिखेगा, बाकी दूसरी चैट्स ब्लर रहेंगी। उसमें कई सारे ऑप्शंस हैं, आप उसके साथ एक्सप्लोर कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि एक मार्केट में प्राइवेसी ग्लास मिलता है, जैसे आप टेम्पर्ड ग्लास लगाते हैं उसी तरीके का होता है, हूबहू देखने में वैसा ही होता है, बट उसकी अलग क्वालिटी ये होती है कि आप जैसे उसे यूज़ कर रहे हैं तो स्क्रीन को फॉर एग्ज़ाम्पल आप देख रहे हैं तो सिर्फ आप ही देख पाएंगे, अगर आसपास वाला या फिर थोड़ा सा आप टिल्ट कर रहे हों या फिर इस तरीके से कर रहे हों तो दूसरा जो बगल में है या जो पीछे से क्रॉस कर रहा है वो आपकी स्क्रीन नहीं देख पाएगा। तो मार्केट में इसका प्राइस, जैसे नॉर्मल आप टेम्पर्ड ग्लास लगाने जाते हैं 100-200-300 रुपए मिलता है, इसका भी प्राइस ज़्यादा नहीं है, 200-300 रुपए में ये भी मिलते हैं, कई दुकानदार आपको 500 रुपए में बेचेंगे, बट मैंने यूज़ किया था एक बार, हालांकि मुझे ज़्यादा यूज़फुल नहीं लगा, बट काफ़ी लोगों को मैंने यूज़ करते हुए देखा है, क्योंकि अगर प्राइवेसी की ज़्यादा ज़रूरत है और आपको लगता है कि आपके चैट्स कोई पढ़ रहा है पीछे से, और इसमें सिर्फ चैट्स ही पढ़ने की बात नहीं है, दूसरे कोई भी कॉन्टेंट देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, कोई वीडियोज़ देख रहे हैं या फिर कुछ भी कर रहे हैं, तो आसपास वाला बंदा कोई नहीं देख पाएगा, तो ये एक कन्वीनियंट वे हो सकता है आपके लिए। कॉमेंट में बताएँ आपको ये आपके लिए क्या जानकारी यूज़फुल रही या नहीं। अगर अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।